बेकरी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक। हमारे घर पे गणपति जी का आगमन हुआ है, इसके लिए मैंने आज घर पे ही इसका भोग बनाया है। तो चलिए हम बनाते हैं अपना ये मोदक और चलिए अपने किचन में। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, आधी कटोरी सूजी, इसको हम हल्का सा सेक लेंगे, नारियल का बूरा आधी कटोरी, गुड़ आधी कटोरी, इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे हमने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काजू और द्राक्ष डाले हमने और बादाम। अब इसमें डालेंगे इलायची, 2 या 3 इलायची हमें पीस के डालनी है। अभी जब मसाला सब मिक्स हो जाता है हम निकाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 ग्लास दूध, 2 चम्मच घी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गांठ ना पड़े। कंटिन्यू हमें इसको हिलाते रहना है। अब ये दूध और चावल का आटा मिक्स हो गया, इसको हम ढक्कन लगा के 10 मिनट पकाएंगे। देखिए ये पक गया है, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अभी हम इसके मोदक बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से लोई लेनी है और इसको थोड़ा सा बेलना है। इस तरह से हमें बेलेंगे और मोल्ड के ऊपर रखना है और बीच में जो मसाला बनाया है इसके अंदर भर के इसको प्रेस करना है। जो एक्स्ट्रा है वो आटा निकल जाएगा और नीचे से इसका भाग खुला हुआ है, थोड़ा सा हमें इसको प्रेस करके बंद कर देना है। इस तरह से हमारे मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हाथों से बेलते हुए इसमें थोड़ा सा मसाला डालना है। मसाला डाल के हम इसको बंद कर लेंगे। बंद करके हम इसको मोल्ड में डाल के प्रेस करेंगे। देखिए हमारा दूसरा मोदक भी बनके रेडी हो गया। इस तरह से 2 तरीके से हमने मोदक बनाए, बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बनते हैं। देखिए हमारा मोदक बनके रेडी हो गया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताएं।